मम्मी आप कितना तक पढ़े हुए हो? मैं BA। हंस क्यों रही है? दो अक्षर पढ़े वो भी उल्टे। मुझे तो A to Z तक आता है। एक बार एक हवाई जहाज में 5 लोग सफर कर रहे थे। धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला, मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर एक पैराशूट लेकर कूद गया। अंबानी बोला, मैं भारत के अमीर लोगों में से हूं, मेरा रहना जरूरी है। फिर अंबानी भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। राहुल गांधी बोला, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। नरेंद्र मोदी बच्ची से बोले, बेटा आप देश की भविष्य हो, जाओ आप आखिरी पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहां पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी तो मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। अब तो मेरी शादी होने वाली है, वहाँ राज करूँगी राज। बर्तन घसना भी होगा, कपड़ा धोना भी होगा, चाय बनाना भी होगा, खाना पकाना भी होगा। सुबह शाम घर में झाड़ू पोछा करेगा। जो भी शादी करेगा। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए घर पे, मेरा बेटा बाइक से गिर गया। आई कैंट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। माई लोंडा की रोंडा फ्रॉम हीरो होंडा, टूटिंग हड्डी कर दो पट्टी। मास्टर जी मोहन ने मुझे मारा। काले मारा रे? मास्टर जी हमको काला बोला इसलिए मारे। तो इसको मार के तुम गोरा हो गया? माय कमिंग सर। इतना लेट कहाँ गया था रे? मास्टर जी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए थे। चोट्टा इसको छोड़ के तुम दूसरी लड़कियों के साथ घूमने जाता है? ए मास्टर जी दूसरी लड़कियों के साथ नहीं घूमने जाते हैं, आपकी बेटी के साथ जाते हैं। चोट्टा मुस्कान होमवर्क दिखा दो अपना। वो मास्टर जी मैं होमवर्क नहीं बनाई हूँ। होमवर्क नहीं बनाई हो मुर्गान? लेकिन मास्टर जी ये तो लड़की है ना। हाँ तो ये मुर्गा कैसे बनेगी? ये तो मुर्गी बनेगी ना। एक अंधी बूढ़ी औरत गॉड से प्रार्थना करती थी। एक दिन गॉड उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मुझे बताओ कि आप क्या चाहती हो। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गॉड ने कहा, यदि आप नहीं जानती हैं कि आपको क्या मांगना है तो आप अपने बेटे और बहू से पूछ सकती हैं। बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के पास गई और उन्हें सारा वाक्य बताई। बेटे ने कहा, माँ आप धन मांग लो। बहू बोली, नहीं माँ आप एक पोता मांगो। बेटे ने फिर कहा, नहीं माँ धन मांगो। बूढ़ी औरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे, धन या पोता। बूढ़ी औरत ने सारी बात अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा, आप धन या पोता मत मांगो, आप दृष्टि मांगे ताकि आप देख सकें। बूढ़ी औरत ने इस पर सोच विचार किया। अगले दिन जब गॉड प्रकट हुए तो बूढ़ी औरत ने कहा, गॉड मैं अपने पोते को सोने के बेड पर बैठे हुए देखना चाहती हूँ। यह सुनकर गॉड भी हंस पड़े कि आपने एक ही इच्छा में सब कुछ मांग लिया।